देखिए, पिछली बार जो पांचवें आम पंचायतों के चुनाव हैं वो फरवरी 2016 में संपन्न किए गए थे और संविधान के प्रावधान के अनुसार 5 वर्ष की अवधि पूरे होने से पहले दोबारा मतदान कराना जो है वो अपेक्षित है। उसके अनुसार जो जो है जो पंचायतों के आम चुनाव जो हैं, छठे चुनाव आम चुनाव जो हैं वो फरवरी 2021 से पहले, जिसमें बल्कि मैं बताने को 24 फरवरी 2021 से पहले संपन्न कराए जाने की संभावना है। इसके लिए सभी प्रकार की हमने तैयारियां आरंभ कर दी हैं। राज्य में जो हैं 6205 पंचायतें हैं, 142 हमारे यहाँ पे ब्लॉक समितिज हैं और इसी तरह से हमारे 22 जो है जिला परिषद हैं, उन सभी में एक बार में चुनाव कराया जाएगा। चुनाव की प्रक्रिया में सबसे पहला कार्य है जो मतदाता सूची है, इलेक्टोरल रोल्स हैं, उनको वार्ड वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना, उसका कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। जिले सभी उपायुक्तों को ये निर्देश दिए जा चुके हैं कि वो जो है मतदाता सूची, वो मतदाता सूची जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा विधानसभा के लिए बनाई गई है, उस सूची को वार्ड वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दें। मैं यहाँ ये भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो सूची विधानसभा के लिए इलेक्शन कमीशन इंडिया द्वारा बनाई जाती है वही सूची हमारे लिए भी मान्य है। राज्य चुनाव आयोग अपनी ओर से ना तो कोई नई सूची बनाएगा, ना ही उसके अंदर कोई मत ऐड करेगा, ना ही उसमें से कोई वोट काटेगा। ऐसी अगर कोई स्थिति है कि किसी का वोट नहीं बना है या उस लिस्ट में नहीं है विधानसभा में, तो संबंधित उपायुक्त से जो संपर्क करके उसे डलवा सकता है। उसके तुरंत बाद ही स्थिति को देखते हुए जो है चुनाव की हम घोषणा करेंगे, जो कि जैसे मैंने बताया कि ये अपेक्षित है कि 23 फरवरी से पहले करवाई जा सकती है। चुनाव ईवीएम के द्वारा कराए जाएंगे, लेकिन सभी चुनाव ईवीएम के द्वारा नहीं होंगे, केवल जिला परिषद, केवल ब्लॉक समिति और सरपंचों के जो चुनाव हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से कराए जाएंगे। और जो पंच हैं हमारे, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, 62,000 प्लस है, उनके जो चुनाव हैं वो पुराने तरीके से बैलेट बॉक्सेस और बैलेट पेपर के हिसाब से ही करवाए जाएंगे। तो इसमें जो है चुनाव का एक्सपेंडिचर है, क्योंकि हालात थोड़े से बदले हैं, तो ये उम्मीद की जाती है कि वो उम्मीदवारों के जो चुनाव का खर्चा है वो भी बढ़ने की संभावना है। तो हम भी बहुत जल्दी ही निर्देश जारी करेंगे और करीब 10% की बढ़ोतरी हम भी करेंगे जो एक्सपेंडिचर की सीमा है उसको बढ़ाने की। तो इस प्रकार से मैं चाहूँगा कि जो है जिन्होंने वोट नहीं बनाए हैं वो अपने वोट बनवाएं। सभी युवाओं से, महिलाओं से और जो है और इनसे भी अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डालने के लिए आएं, ताकि हमारे जो मतदान का प्रतिशत है वो बढ़े और लोकतंत्र जो है और मजबूत हो। सर, अंतिम सवाल है कि इस बार हरियाणा सरकार महिलाओं को पंचायत राज में 50% आरक्षण की तैयारी कर रही है, उससे संबंधित अभी कोई कानून नहीं बना है, लेकिन इस तरह का फैसला ना सरकार आने वाले देखिए, आरक्षण का जो कार्य है वो राज्य सरकार के स्तर पर किया जाता है, और अगर ऐसा कोई फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है यहाँ पर आरक्षण की जो परसेंटेज उसको बढ़ाया जाए, तो और हमारे पास जैसी सूचना आती है तो हम जो नई आरक्षण की जो नीति होगी उसके अनुसार चुनाव कराएंगे।